दोस्तों, अमूल का दूध हम सबका फेवरेट है, पर क्या कभी आपने गौर किया है कि पूरे देश में आप कहीं भी अमूल कंपनी का दूध पिए तो उसका स्वाद एक जैसा क्यों होता है? हमारे देश के छोटे से छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े शहरों तक आपको हर जगह अमूल का दूध मिल जाएगा। भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में अमूल राजा है। आज के समय में अमूल कंपनी की मार्केट वैल्यू 72,000 करोड़ रुपए है और साल 2020 में जब सभी बिजनेस घाटे में जा रहे थे तब अमूल ने उस समय 39,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वैसे तो अमूल कंपनी बहुत सी चीजें बनाती है जिसमें कि दूध, मक्खन, आइसक्रीम, चॉकलेट, दही, मट्ठा इत्यादि, लेकिन इन सब चीजों का प्रोसेस कैसे होता है ये आपने देखा है या नहीं? अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देखें। साथ ही इस कंपनी की शुरुआत क्यों करनी पड़ी ये भी जानेंगे। दोस्तों, भारत में कुल अमूल के 31 प्लांट हैं, जिसमें से 13 प्लांट तो गुजरात में ही है। सन 1946 से ही हर दिन सुबह सुबह अमूल अपने उत्पादों से भारत के हर घर में पहुंचता रहा है। हम किसी भी भारतीय घर में सुबह सुबह बिना एक कप चाय या दूध के कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां तक कि भारतीय मिठाइयों में भी दूध की एक अहम भूमिका होती है। अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादक कंपनी है। अमूल के हर प्लांट में हर दिन सबसे पहले भारत के 36 लाख से भी ज्यादा दूध उत्पादक कच्चे दूध की सप्लाई करते हैं। कंपनी के द्वारा ही इनकी गायों को पौष्टिक चारा और साफ सुथरे रहने की जगह उपलब्ध कराई जाती है। फार्म पर जानवरों के डॉक्टरों की सुविधा भी होती है जिससे गायों की देखभाल में कोई कमी ना रहे। हर दिन लाखों किसान दूध निकालने के लिए मिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं जिससे साफ सफाई बनी रहती है और गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। गुजरात के इस प्लांट में हर सुबह विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन लोगों से दूध खरीदा जाता है। स्टील के कंटेनर में रखे दूध की तुरंत जांच होती है और पास होने पर उनसे दूध ले लिया जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है और साल के 365 दिन चालू रहती है। जमा किए हुए दूध को फिर इंसुलेटेड टैंकर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसे प्लांट्स तक लेकर जाया जाता है। यहां से दूध का असली सफर शुरू होता है। प्लांट में हर टैंकर का सैंपल इकट्ठा करके लैब में उसकी जांच होती है। अमूल इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतता है। सैंपल पास होने के बाद इन कच्चे दूध को निकालकर दूध के बड़े बड़े तापमान नियंत्रित कंटेनर में भर दिया जाता है। यहां से दूध को प्री ट्रीटमेंट एरिया में लेकर जाया जाता है जहां पर इसमें ऊपरी बैक्टीरिया और अन्य गंदगी साफ की जाती है। इसके बाद दूध का पॉस्चराइजेशन होता है जिसमें दूध को 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और तुरंत ही इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में मिले किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया की तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में फैट के कणों को बहुत तीव्र प्रेशर से छोटा बना दिया जाता है। इससे दूध और फैट एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दोस्तों, इसी कारण से आप भारत में कहीं भी अमूल का दूध खरीद कर पिए उसका टेस्ट लगभग सेम ही होता है। इसके बाद दूध को पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। अमूल कंपनी कई प्रकार के दूध और उसकी पैकिंग बनाती है, जैसे कि अमूल गोल्ड, अमूल ताजा इत्यादि। पैकिंग की बात करें तो इसमें प्लास्टिक पैकिंग और टेट्रा पैक शामिल है। अमूल भारत की इकलौती कंपनी है जो पूरी तरह से रोबोट की मदद से पैकिंग प्रक्रिया करती है। दूध के पाउच और पैकेट बनाने के लिए कंपनी के पास खुद का प्लांट लगा हुआ है जिसमें हर मिनट लगभग 100 से 150 दूध के पैकेट पैक होते हैं। पैकिंग हो जाने के बाद कॉन्वेयर बेल्ट की मदद से यह दूध कैरेट में भरकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। यहां का तापमान हर वक्त 5 डिग्री से कम होता है। इसके बाद ट्रकों में भरकर यह हमारे घर के पास वाली दुकानों में पहुंचने के लिए अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। लेकिन इतने अच्छी क्वालिटी के अमूल दूध जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बनने के पीछे क्या कारण थे? अगर नहीं पता तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 को हुई। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। किसानों की उस समय हालत बहुत ही खराब थी।
क्योंकि बिचौलिए कम दाम में दूध को खरीदते थे और ज्यादा दामों में उसे बेचते थे। इस समय बॉम्बे मिल्क दूध को खरीद रहा था और पालसन लिमिटेड को दूध इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दे रखा था, क्योंकि इस कंपनी से दूध पॉस्चराइजेशन होकर मुंबई पहुंचता था, जो अपनी मनमानी ढंग से रेट तय करता था। किसान अगर उस दूध को शहर लेकर जाए भी तो रास्ते में ही दूध खराब हो जाता था, जिससे उनको हार कर कम दामों में बेचना पड़ता था, क्योंकि किसानों के पास पॉस्चराइजेशन प्लांट नहीं था। इस समय सरदार पटेल थे जो किसानों की इस समस्या को सुने और उनसे कहा कि आप लोग एक सहकारी समिति बना लो और एक पॉस्चराइजेशन प्लांट भी बना लो और सरकार से कॉपरेटिव बनाने के लिए परमिशन ले लो। लेकिन सरकार ने इनको परमिशन नहीं दिया। गुस्से में आकर किसानों ने दूध की सप्लाई 15 दिनों तक बंद कर दिया, जिससे बॉम्बे मिल्क काफी परेशान हो गया और हार कर अंग्रेज सरकार किसानों की बात मानकर अनुमति दे दी और ये संगठन बॉम्बे मिल्क को दूध सप्लाई करने लगा। लेकिन उस समय दूध की इतनी ज्यादा खपत नहीं थी, परिणाम स्वरूप दूध खराब होने लगा। इसी समय एंट्री होती है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, जिन्होंने बढ़े दूध से मिल्क पाउडर, बटर और भी बहुत से डेयरी उत्पाद बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दूध की खपत तेजी से बढ़ने लगी और इसका नाम अमूल मिल्क कर दिया गया। इसका नाम संस्कृत के शब्द अमूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब अनोखा, बेसकीमती और अनमोल होता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो आज ही डिजिटल डिस्कवरीज को सब्सक्राइब कर लें।